सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। अक्सर समझ में नहीं आता है कि हम गोश्त के साथ क्या सब्जी डालें। वही सब्जियां रूटीन में डाल डाल के बोर हो जाते हैं, तो ऐसे में हम बना सकते हैं दाल गोश्त। तो दाल गोश्त कई तरह से बनाया जाता है, बल्कि कई दालों के साथ बनाया जा सकता है। चने की दाल गोश्त की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाल दाल के साथ दाल गोश्त, या फिर आप इसको मसूर की दाल भी कह सकते हैं। तो देखिए, ये लाल दाल ये है, ये बिना छिलके वाली लाल दाल है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो 1 किलो मैंने मटन लिया है, विद बोन मटन है ये। इसको मैंने अच्छे से धो के और छन्नी में डाल दिया था, अब इसका पूरा पानी निचड़ गया है। इसके अलावा 2 कप मैंने ली है मसूर की दाल, और इसको मैंने अभी भिगोया है क्योंकि पकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं भिगोएंगे। उसके अलावा मैंने ली है 3 प्याज लेके, मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है, और इसमें से मैंने तकरीबन आधी प्याज अलग कर ली है, वो जब हम इसका तड़का लगाएंगे तो इसमें यूज़ करेंगे। तो ये 2.5 प्याज हो गई। उसके अलावा 4 बड़े साइज के टमाटर लेके मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। खड़े गरम मसालों में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून जीरा, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 काली इलायची, 2 हरी इलायची, 6 लौंग और 1/2 टीस्पून काली मिर्च, और 3 बड़े साइज की हरी मिर्चों को मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है, और 1 कप के करीब मैंने लिया है बारीक कटा हरा धनिया। मसालों में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 ही टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में हमने लिया है 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल, और 2 टेबलस्पून ऑयल से हम तड़का लगाएंगे। तो दाल के जो गोश्त होते हैं या फिर जब दालें होती हैं तो अमूमन हम उन पर तड़का लगाते हैं, क्योंकि दाल ज़्यादातर जितना भी ऑयल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर हम ऊपर से थोड़ा सा इसमें तड़का डाल देते हैं तो हमारे जो सालन की रौनक है वो बढ़ जाती है। तो ऑयल को जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम खड़े गर्म मसाले डाल देंगे और इनको थोड़ा सा पकने देंगे कुछ सेकंड के लिए। डालेंगे प्याज, और प्याज को इतना पकाएंगे कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। ब्राउन नहीं करनी है हमें प्याज को। प्याज को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज होने लगा है। तो अब हम डालेंगे इसमें मटन, आप इसको बड़े में भी बना सकते हैं। तो बड़े में जब बनाएंगे प्रोसीजर सेम है, सिर्फ आपको मटन वो सॉरी जो मीट होगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा गलाना होगा, बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा। साथ ही में हम डाल देते हैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं, जब तक कि मटन का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मटन का जो कलर है वो भी थोड़ा सा वाइट होने लगा है। तो अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले। सबसे पहले हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर, हल्दी, रेड चिली पाउडर और नमक, पिसा हुआ गरम मसाला हम लास्ट में डालेंगे, और 2 मिनट इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं। देखिए मसाला कितना अच्छे से भुन गया है, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें गलाना है गोश्त को, तो उसके लिए डालेंगे हम पानी। तकरीबन 1 ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर पहले 1 सीटी लेंगे, या और उसके बाद हम इसको 5 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे, या फिर आप इसको 3 से 4 सीटियां ले लीजिएगा, या फिर आप जैसे भी पकाएं इसको 80% गला लीजिएगा। तो मटन गल चुका है और इसकी स्टीम रिलीज हो चुकी है।
अब अपनी गैस को हम दोबारा ऑन कर लेते हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च और साथ ही में हम डाल देते हैं दाल जो कि आधा घंटा सोख हो चुकी है। तो दाल हमने मिक्स कर ली है और सालन में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मेरे हिसाब से इतना ही पानी इसमें ठीक है क्योंकि टमाटरों ने काफ़ी पानी छोड़ा है और एक ग्लास हमने पहले से इसमें पानी डाला था। तो अब हम गलाएंगे दाल को। तो मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर दो सीटी लेती हूँ और हमारी दाल गल जाएगी। दाल हमारी गल चुकी है, ये देखिए आप। तो इसने काफ़ी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब आपकी मर्जी है आप इसमें कितना पानी डालना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो इसमें डालेंगे हम पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जितना भी आपको इसकी थिकनेस रखनी है। थोड़ा सा ये गाढ़ा ही अच्छा लगता है लेकिन मैंने आधा ग्लास से ज़्यादा पानी डाला है। अब हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया। तो सालन हमारा तकरीबन तैयार ही हो गया है। अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। तो अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देती हूँ और 2 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देती हूँ। इतनी देर में हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, आप चाहें तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम डाल देते हैं ये आधी बारीक कटी प्याज जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इसको हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे, बहुत डार्क कलर नहीं करेंगे, अच्छा गोल्डन फ्राई करेंगे हम इसे। देखिए प्याज पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं और इसको डालते हैं प्रेशर कुकर में, जिसका मैं ढक्कन गैस बंद कर रही हूँ। अब मैं आपको इसे 2 मिनट बाद डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए तैयार है हमारा मसूर दाल गोश्त या फिर मसूर की दाल का दाल गोश्त। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही खुशबूदार बना है। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।